मैंने आंटी से सारी बात करनी है। आंटी अबे आंटी आंटी मेरी मारू एंटी नहीं कहना है। आज का प्लान ये है कि हम अम्मा के साथ करने वाले प्रैंक। अच्छा तो प्रैंक ये है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। ठीक है। और मैं अम्मा को जॉब है तेरी पहले दस तू जॉब कर रहे थे प्रैंक कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है तो मैं बस हो गया मैं जा रहा हूँ नहीं अब नहीं जॉब करने में दिल कर रहा मेरा। आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। ओए अकेले गड्डी ना मार दी। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है मेरी रजत फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। घर पे सब ठीक ठाक होंगे। बच्चे ठीक है भाभियां ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करो। मुझे बहुत अजीज हो आप लोग यार। अच्छा जी तो सीन ऐसे है कि एक बहुत ही कमाल का आइडिया जो मेरे और अवैस मुश्तरका के जहन में आया है एक प्रैंक है जो हमने अम्मा पे करना है। अवैस के जहन में इसलिए आया क्योंकि उसको कमेंट और उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज बहुत आ रहे थे कि अवैस भाई ये वाला प्रैंक करें। मेरे जहन में था लेकिन मैंने उसको प्रोसीड नहीं किया क्योंकि मुझे आखिरी प्रैंक जो हमने अवैस पे किया था चोरी वाला कि अवैस ने घर पे चोरी करवाई है उसके ऊपर बहुत गालियां पड़ी थी। आप लोगों ने बहुत मुझे बुरा भला कहा था कि अवैस के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था वो गरीब है वो मुलाजिम है इसलिए आप लोगों ने ये किया जबकि मैंने ऐसा उसको कभी नहीं समझा कि वो मुलाजिम है। मैंने हमेशा अपना छोटा भाई बना के रखा है तो मैंने वो वाला प्रैंक ना प्रोसीड ही नहीं किया। दिमाग में ही रखा मैं कहा नहीं यार आपको पसंद नहीं आएगा। अब अवैस ने खुद मुझे कहा है कि भाई ये वाला प्रैंक करें अम्मा के साथ बड़ा मजा आएगा मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है ओके कर लेते हैं ब्रो। पहले बता रहा हूँ प्रैंक है मनु बुरा वाला ना कहना बताऊँ दस रहा आई लव यू ना प्लीज ना। प्रैंक क्या है ये मैं आपको घर जाके बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा हमें काम है हमारी शक्ल को इस टाइम बट की बहुत जरूरत है। बट के पास जाना है खट शट करवाना है खट करवा के दस्ती घर जाते हैं और आपको परे कर ला आपको घर जाके सारा सीन बताते हैं कि क्या प्रैंक है। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें क्योंकि मेरी रजत फैमिली और मैं हम लोग एक अहद के तहत चल रहे हैं। अहद ये है कि 11 मार्च से पहले पहले अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हैं जो कि मुश्किल ही लग रहा है मुझे क्योंकि सब्सक्राइबर की स्पीड थोड़ी स्लो है लेकिन इट फाइन कोई बात नहीं। मेरी फैमिली जहां तक कोशिश कर सकती है वो कर रही है हो जाएंगे तो ठीक है नहीं होंगे तो खैर फिर भी हम चल तो रहे हैं कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे ना कोई बात नहीं। अगर आप अभी तक अनसब्सक्राइब्ड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें वो जो घंटी का बटन है ना उसके ऊपर चढ़ जाओ उसको ठुड्डे मारो जब वो सब्सक्राइब हो जाए मतलब आपने अपना काम डन कर दिया। चलते हैं खत करवाते हैं खत करवा के फिर घर चलते हैं और आपको सारा सीन बताते हैं। चलो ये थैंक यू की आले ठीक ठाक हो पहले बता किधर जा रहा है पीछे हो ले ले पीछे एक मिनट सफर कर पीछे हो ले 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 क्या कर रहा है मुझे पता है तू मिलियनर आदमी है थोड़ा सा टाइम दे दिया कर हमें भी यार खत कर दे फिर चला जी मेरी जान। चलो जी बस इतनी सी बात थी तू एवं ही भाग रहा था 5 मिनट लगे चेक कर पप्पू बच्चा निकला कि नहीं। चलो उतार दो थैंक यू चलो थैंक यू मेरी जान शुक्रिया। ओके जी खदशत करवा लिया अभी पहुंचते हैं घर और जाके अपना जो प्रैंक है ना अम्मा के साथ उसको प्रोसीड करते हैं। पहले अवैस से मैं आपकी बात करवाऊंगा ताकि आप लोग देख लो कि उसकी रजामंदी है उसने मुझे आइडिया दिया था बात जो मनु ना बुरा भला कहना ठीक है ना और खदशत करवा के थोड़ा सा जो मेरा कालापन है ना वो बेहतर लग रहा है भाई। चलो थैंक यू आए दोस्तों की आले बड़े लश्कारे लश्कूरे मार रहे हैं खैर है मैं काला शाह हो के आ गया तुम गोरे तो गोरा हो ही जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बता क्या प्लान है आपका क्या प्लान और भाई व्लॉग का प्लान की अज दा जो व्लॉग आपको बताया हां बता जरा सही से बता क्या प्लान है। मम्मा अभी तो गई हैं कुरान खाने के सामने। चलो जी चली गई हैं। हां जी अभी कब आएंगी थोड़ी देर घंटे तक आ जाएंगी। अच्छा मुझे बता अब तू अपनी ऑडियंस को मेरी ऑडियंस को रजत फैमिली की ऑडियंस को बता दे कि हमारा आज का प्लान क्या है और ये आइडिया किसका था और हमें क्या करना। आज का प्लान ये है कि हम अम्मा के साथ करने वाले प्रैंक। अच्छा तो प्रैंक ये है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। ठीक है। और मैं अम्मा को जॉब है तेरी पहले दस तू जॉब कर रहे थे प्रैंक कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है ओके तो मैं अम्मा को ये कहूँगा कि अम्मा मुझे ना आगे अच्छी जॉब मिल गई है फैक्ट्री में और मेरी सैलरी भी कम है तो जो 2-2.5 हज़ार यहाँ पर सैलरी कम है यहाँ पर सैलरी कम है और मुझे ना अच्छी जॉब मिल गई सैलरी काटे वैसे मुझे आगे फैक्ट्री में जॉब मिल गई अच्छी जॉब है ठीक है तो जो 2-2.5 हज़ार आपके साथ गुजरे बहुत अच्छे गुजरे। तू पूरी स्क्रिप्ट सोची है बिजुआ ये है पूरी स्क्रिप्ट सोची हूँ। अच्छा 2-2.5 हज़ार आपके साथ गुजरे हैं बहुत अच्छे गुजरे हैं अब मुझे इजाजत दे मैं जा सकता हूँ।
अच्छा अच्छा ये अच्छा था गुरु, तो मेरी गल सुन, अपनी ऑडियंस नु भी, तो मेरी ऑडियंस नु प्रॉपर रजा फैमिली नु दस दे क्या तेरा प्रोग्राम है भाई। ये मेरा ही प्रोग्राम, मुझे मैसेजेस आ रहे के भैया प्रैंक करे प्रैंक करे, ये आवाम के मैसेजेस आ रहे। हां जी ठीक है ना, तो बस जो मन्नू गाला भैया तो मैं फिर गरीब नहीं गा रजब, आप गरीब नहीं गा, रजब की ऑडियंस गरीब नहीं गई, रजब का भरा भी गरीब नहीं गा, ठीक है डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ अम्मा कब गई और कब तक आएंगी? अम्मा अभी 20 मिनट हुए हैं, ठीक है, और आधे घंटे कुरान खानी है, मिलाद है, क्या खानी है, बस आधे पौने घंटे का माजेंगी। मैंने ऑयलिंग शॉलिंग की हुई है, कपड़े मैंने कल वाली पहने हुए, क्योंकि सुबह उठाऊ ऐसे निकल गया, ठीक है ना, इसलिए मैंने सुबह ये शेयर किया था, लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर करना था इसलिए दोबारा रिकॉर्ड किया है। नहा लेता हूँ, कपड़े चेंज करते हैं, तब तक शायद अम्मा भी आ जाएंगी और अपने जो प्रैंक है ना उसको स्टार्ट करते हैं। मेरी बात सुने, जब आप थाईलैंड से ना पीछे से एक वॉच आई थी जिसका आपको इंतजार था, वो आ गया, वो देख लिया। अच्छा वो जो ऑर्डर की थी अपनी और इमाम की, जी आ गई, और धा 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 उसका तो बड़ा इंतजार कर रहा मेरा भाई पागल, घड़ी देख लेता जी फिर ना आते। आओ जी आओ आओ आओ, बड़ा इंतजार कर रहा है इसने, हाँ यही है यही है, अनबॉक्स कर रहा है, अनबॉक्स कर। अच्छा जी इस वॉच के मैंने एड्स देखे थे काफी, अच्छा हाँ भैया 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 एड्स देखे थे काफी सोशल मीडिया पे, तो मैंने ऑर्डर कर दी, थोड़ा सा लेट हो गई है या शायद वो टाइम पे आ गई है और मैं यहाँ पर नहीं था। दो घड़ियां जी, एक मेरी है और एक है आपकी भाभी की चेन आया है, उसके बाद भाई जान बॉल पॉइंट भी आई है। अनबॉक्स कर, मेरे से वेट नहीं हो रहा, जल्दी कर, शाबाश हरिया भरिया। ये देखो जी ये है आपके भाई की नर्व वॉच प्रो एस ई, और ये आपकी भाभी की जो मैंने उनको बताया भी था नर्व वॉच 2 प्रो। अच्छा अभी उसकी जो पैकिंग है ना बहुत प्यारी लग रही है, अनबॉक्सिंग करते हैं, अल्लाह करे अब अंदर से भी वैसी ही निकले, क्योंकि मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है भाई जन, समटाइम्स ऑनलाइन चीजें अच्छी आ जाती हैं समटाइम्स नहीं आती, लेकिन इसकी जो पैकिंग है वो प्रॉपर भाई जन फिट लग रही है। भाई पहले मेरी अनबॉक्स कर फिर करते हैं तेरी भाभी की भी, ठीक है, तेरी भाभी की अनबॉक्स करें कि उसको जाके करें, कर देते हैं फिर पैक कर देंगे, ठीक है अनबॉक्स कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह करे उन जिस चीज़ें पैसे भरे वही चीज निकले जो ऑनलाइन नजर आ रही थी वही हो। आए 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 की हो गया पापा जी यार, खुशी मना रहे हैं, घड़ी मंगवाई है आपके बेटे ने, भाई निकाल के दिखाओ जरा, बट साहब को निकाल के दिखाओ जरा, घड़ी मंगवाई है ब्रो, जो एक महंगी घड़ी के अंदर सारे सिस्टम होते हैं ना, आप रनिंग कर रहे हो, आपकी कैलोरीज बर्न हो, जितना सारा कुछ नजर आएगा आपके मोबाइल का सारा सिस्टम इसमें चला जाएगा, जो जो कॉल आ रही है मैसेज आ रहा है सारा कुछ यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद वाटर प्रूफ है भट्ट साहब, हाँ जी शक्ल सूरत हाँ, आए 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 क्या बात है, मजा नहीं आ गया, चस नहीं आ गई। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जो ऑनलाइन वॉच स्मार्ट वॉचेस हैं आप सबको ही पता है कम से कम 70,000-80,000 से है, मेरे पास वो भी है, लेकिन ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने मंगवाई है, ठीक है, चक्कर यार वैसे पाके दहा जरा पाके दहा, उसके बाद ये वाली भी ओपन कर, आए 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 मजे आ गए भाई मजे आ गए, ये आपकी नो की है ईमान के लिए मंगवाई है यार, मेरे वैसे भी कोई मंगा लेनी थी। हाँ गल तो सही है, तुसी भी जिम जाते हो, कैलोरीज बर्न करते हो, ताबेदार सरकार होने ऑर्डर कर देने। अच्छा जी अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनका जो मैंने लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ भाई जन, आए 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 कितनी सोनी लग रही मेरे भरा आज। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोग डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको मेरा प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा रजब 10, आप जाके प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा ये खोल के दिखा ना, ईमान की भी खोल के दिखा, बट मैं ऑर्डर कर देता हूँ आपकी आज, ठीक है टेंशन नहीं लेनी, खोलते हैं देखते हैं जी ईमान की कैसी वॉच आई है, मेरी तो बहुत प्यारी है, आई एम प्रॉपर प्यारी है मेरा तो दिल कर रहा है ईमान की आप पालवा अपनी ईमान दे दिया, ये वाली तो ज्यादा प्यारी है भाई, क्या बात है, आए 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 बेगम तेरिया मौजा लग गई, क्या बात है यार, मैं अपना भी इसी कलर मंगवा लेता भला, बहुत प्यारी है भाई, हाईली रिकमेंडेड, डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक है, आप लोग जाके ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्काउंट के लिए प्रोमो कोड यूज करें रजब 10, जबरदस्त मजेदार, आपकी कर देता हूँ ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा जी सुबह सुबह तेल लगवाया था तो भाई ने, भाई ये उठाओ ना संभालो इनको, ठीक है, और मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मैं शावर लेके आया, ऑयल रिमूव कर ले, सुबह का लगाया हुआ है, 2 घंटे का टाइम होता है और मुझे 4-5-6 घंटे हो गए, मैंने ऑयल उतारा ही नहीं अभी, कपड़े मेरी जान इसी कर दे, ठीक है फिर अपना काम शुरू करते हैं, तब तक अम्मा आ जाएंगे, ओके शावर लेके अपना प्रैंक स्टार्ट करते हैं। 1 hour later ओके जी शावर वगैरह ले लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं, रंग रूप
पार्क में आ रही है। पार्क में क्या कर रही है? वो घर आ रही पार्क से। अच्छा घर आ रही है। अच्छी बात सुन, तूने कोशिश करनी है कि तेरा प्रैंक जो है ना वो यहाँ पर हो, ठीक है, ताकि मैं वहाँ पर कैमरा लगाने लगूँ, वहाँ जाकर खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ पर तुमने रखना है, जब बात तेरे हाथ से निकल रही होगी ना मैं एंट्री मार लूंगा, ठीक है? डर लग रहा है करना है कि नहीं? अगर नहीं करना ना होगी कैंसिल कर सकना। नहीं नहीं करने की पक्की गल है। मैं चल रही, ओके 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 ओके। अल्लाह अकबर। हाँ जी पानी पी लेंगे। बैठने दो पानी, क्या बात हंस के रहे? वैसे ही है, मैंने क्यों हंसा है बताओ? क्यों हंस रहे हो? नहीं नहीं ये पानी नहीं लूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा मामा जी, मैंने ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बैठ लेने दे कि आने ही जरूरी बात। बात जरूरी है थोड़ी। क्या बात? यह है कि मैं ना जॉब छोड़ रहा हूँ। अरे लगान करे क्यों बेटे? मुझे अच्छी आगे अच्छी जॉब मिल गई ना इसलिए। तो इसका मतलब तू जॉब कर रहा था यहाँ पे? नहीं जॉब वो बात नहीं है मामा जी, बट ये आगे जॉब अच्छी मिल गई है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो मैंने कहा चलो उधर चला जाता हूँ। वैसे मेरा दिल ही मान है बेटे, मैंने तुम्हें जॉब पे रखा ही नहीं मेरे बच्चे। तू तो मेरा जब से छोटा बेटा मेरा, तू है सलमान है, मैं तो कभी नहीं सोचा कि तू जॉब कर रहा। नहीं बस अभी मैंने पता किया था फैक्ट्री में कोई हेल्पर की जॉब है तो वो मिल रही है, मुझे सैलरी भी अच्छी है। क्या अच्छी सैलरी? क्या सैलरी है तुम्हें? यही कोई 25,000। और फिर तू हेल्पर बनेगा? तो क्या खौफ कर पुत्र, तू इससे ज्यादा अच्छी यहाँ पे जा रहा था। मैं कहती बेटा सौ बिस्मिल्लाह जा, तेरा दिमाग खराब है। तू जाकर फैक्ट्री में एक तो वहां पे जो छोड़ बस, फैक्ट्री में काम करेगा, ऊपर से वहां पे हेल्पर बनेगा। पागल है तू? दो चार तू मुझे वैसे कहता मम्मी तनख्वाह बढ़ाओ, मैं जब कहती तुम्हें तनख्वाह बढ़ा देता। नहीं वो मेरा दिल दुखाया। नहीं तनख्वाह उधर से इधर ज्यादा, उधर में भी तनख्वाह कम है। तो फिर क्यों बेटा, क्या कमी रह गई हमारे प्यार में? तुझे तो बता, तू पागल है? नहीं पागल की बात नहीं, बस दिल किया मैंने कहा जब आपसे। दिमाग देख अपना, लोग शुक्र करते हैं कि बंदा किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पे वो अपनी फैमिली की तरह रह रहा हो। और तुझे तो मैंने हमेशा अपना बेटा समझा कि मेरा पुत्र है। मैंने कभी सोचा नहीं कि तू नौकरी कर रहा है यहाँ पे, तो तुमने मेरा दिल दुखा दिया। तो पैसे बढ़ाने, पैसे बढ़वा ले के भाई, मेरे पैसे बढ़ा दो। तो मेरा बड़ा भाई है तुम्हारे, पैसे बढ़ा देता। नहीं पैसों की तो बात, तुझे हेल्पर ही क्यों? अपने घर की जॉब, अपने घर की जॉब छोड़ रहा है? दिमाग देख तो अपना पुत्र। वो बात नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ रहने को। मैं बस हो गया, मैं जा रहा हूँ। नहीं अपनी जॉब करने में दिल कर रहा मेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा तू इतना बगैर हो जाएगा कि मुझे मैं नौकरी नहीं करनी। तू मुझे माँ कहता है, मैंने तुम्हें हमेशा वैस पुत्र कहा, तुम्हें घर की तरह रखा, तुम्हें आ गया इतनी बात करते तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बस ठीक है ना, टाइम अच्छा गुजरा, बस ठीक है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं दिल अब चला जाऊंगा। आपसे बात कर रहा हूँ मजाक के अलावा, नहीं दिल कर रहा। तू हेल्प नहीं कर रही है, रजे बट के घर छोड़ रहा कर ला दे। अब बस ना लोग, मैं क्या बात करूँ आपसे, आप खुद ही देख रहे हैं, नहीं दिल करता मेरा इधर आने को। मैं कह रहा हूँ खुद ही कहीं बाहर चला जाऊँ, कहीं बाहर नौकरी करूँ। मेरा दिल करता मैं जूती उतारू तुम्हारे मुँह पर, लाऊ तुम्हें बगैर। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते? माँ के साथ मेरा दिल दुखा रहा है तू बगैर। अब देख तू, अगर तूने मेरा घर अपना घर तुम्हें छोड़ नहीं था ये वाला, तो किसी अच्छी ऑप्शन के मुझे कह माँ मुझे वहाँ पे इस तरह की नौकरी मिल गई जो इससे बेहतरीन होती। तो मैं बेटे सौ बच्चों में तुम्हारा हक है, तू जा सकता है, तेरी मर्जी है पुत्र। मैंने जितना प्यार किया, जितना मैंने सब किया, मेरा जमीन मुतमिन है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत फेयर होकर चली हूँ। अगर तुम्हें इससे ज्यादा अच्छी कोई जगह पर जाने को तू कहता, खुदा की कसम मैं कहती बेटे जा तेरा राइट है। तुम्हें तो शर्म ही नहीं आ रही कि तू हेल्परी के लिए ना जब भाई घर छोड़, तेरा बड़ा भाई है। मम्मा जी आपको बात नहीं समझ आ रही, भैया ही मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगा, आपको नहीं समझ आ रही, मैंने नहीं करना बस। अच्छा जी अब मेरी बारी है, मैं अंदर चलता हूँ क्योंकि इनकी लड़ाई वैसे खत्म नहीं होनी। मैं ऐसे रैंडमली ही अंदर जाऊंगा जैसे मैं बाहर से आ रहा हूँ और ब्लॉग करता हुआ हूँ, मुझे तो किसी चीज का पता ही नहीं है। इनकी जाके लड़ाई मैंने खत्म करवानी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके जी तो हम पहुंच चुके हैं घर। ओके जी का प्यो तेरे को पता नहीं हम ओके जी के पहुंच गए थे बना के चलकर आज चलना छाट के काम करता आया। क्या हो गया मेरे पे किसी का गुस्सा? क्या हुआ? ये कह रहा है ये जॉब कर रहा था, मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। जॉब कर रहा था तू?
ये जो भी कर दिया, देखो ये प्यार का सिला दिया इसने हमें। क्या कह रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ? हाँ जी, छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ जी, तो निकलना फिर, टाइम क्यों लगा रहा? चल चल बाहर हो, चल चल निकल। ये क्या मैंने और जा रहे हैं तो क्या हो गया इसमें? क्या ये मेरा पुत्र है, कोई नौकर थोड़ी है? और नौकर की बात नहीं है भाई, वो जॉब कर रहा, ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना, जॉब कर रहा है ना, उससे जब खुद क्या मैं जॉब कर रहा हूँ, जाने तो खैर है। इंसानियत कोई चीज नहीं। अच्छा सॉरी, मेरा ब्लॉग बन रहा है भाई, डेली ब्लॉगर, मैं तो ब्लॉग कर रही हूँ, मादर के साथ मेरा ब्लॉग बन रहा है। तेरे ब्लॉग से मुझे कोई सरोकार नहीं, मैंने इसको खुदा की कसम अपना बेटा कहा है। तो भाई वो दिमाग, जब वो कह रहा है कि मैं जॉब ही कर रहा था, तो उसको कोई बेहतर ऑप्शन मिल गई होगी, उसको जाने दो, कोई बेटर ऑप्शन मिल गई होगी उसकी। मैंने एंटी से सारी बात करनी है। एंटी तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे एंटी एंटी मेरी मां एंटी नहीं कहना, सारा जान मामा कहना, तू एंटी कह रहा है, अज तू रिजाइन दिता तो नाली तरह एंटी निकल गया। मामा फट तू जरा, फट तू जरा, एंटी कह रही, एंटी कह ना 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 हंसना नहीं, बाकी चलना यार, कि मसला को प्रॉब्लम है, कोई गल बुरी लगी किसी की? मैं एक बात, सब्सक्राइबर ने कुछ किया नहीं, नहीं कुछ भी किसी ने कहा, बट मुझे जॉब आगे अच्छी मिल गई। अच्छी जॉब मिल गई कहाँ पर? बुर्ज खलीफा में जॉब मिल गई क्या? व्हाइट हाउस में तू पेंट किया करेगा? क्या जॉब मिली मुझे? फैक्ट्री में है, हेल्पर की। फैक्ट्री जॉब मिली है? नहीं नहीं, हेल्पर बड़ी है, हेल्पर की भी जॉब कर रही है, लेकिन मैं तो कोई बेवकूफी देखा होगा, जी अच्छी खासी जॉब तो निकल। हेल्पर की सैलरी कितनी है? 25,000। तू मेरे को किन्ने ला रहे हैं? चल रहा है, चुप रहा, ठीक है। उस तो अलावा जो अलाउंसेस में तेरे जो तेरे खर्चे ने, ओ वे सब छोड़ो, मैं मां छोड़ के बगैर तो हेल्प परिवार जाने में मां भाई, आप मां हो या नहीं हो उसके ऊपर फैमिली है, उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है, अगर कोई बेहतर ऑप्शन मिलती है सौ बिस्मिल्लाह जाए, लेकिन आप मेरा जाए नहीं, मेरा घर छोड़ के फैक्ट्री में ना जाए यार, ये तो गलत गल है यार, ठीक है ना। दिल रो रहा है कि मैंने इतना इसे प्यार किया, इसको अपने पेटों की तरह रखा। नहीं अब उसका जमीर मर गया, फैक्ट्री में क्या कोई मिशू मुशू का कोई जॉब करनी है? को जॉब करनी है? कोई भी नहीं है। मन लग रहा है? नहीं मैंने आंटी से भी बात कर, आंटी से भी यार ना, आंटी 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 यार तू लाया, ओह कह रही आंटी बाप, मम्मा मम्मा कह रही आंटी बाप, हाथ ना उठाए, ऊपर से कह रहा है आंटी बाप, हाथ तो ना उठाए, अरे सुबह शाम तीन तीन पराठे मम्मा, आंटी शर्म नहीं तेनों आ रही है? तू रिजाइन दिता ये तो आंटी आ गया यार, चल ठीक है जा लें, देखो मैं मम्मा ना यार ना 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 ना, चल ठीक है यार जा तू, ओके जा तू, ठीक है ओके, कोई गल नहीं, जा रहे तो कोई मसला नहीं है मेरे को। आप रोने क्यों लग गए तो मिनट से पहले यार, जान के ऐसी औलाद को दूर कर, तू पागल है, मेरी औलाद है ये, कोई बात नहीं यार भाई, तू जा पहले मैं साफ कर ली, ठीक है ओके जी ओके, जान दो खैर कोई गल नहीं, बुला ली ऑर्डर लाओ, आप कहते मैं बुला लेता हूँ। तू तेरे दिल कुछ नहीं हो, उसको बेहतर जॉब मिल गई होगी, तो मां मां करता था मुझे, मेरा बुला लूं, आप कहते तो बुला लेता हूँ, हैं अगर आप कहते तो बुला लेता हूँ, पता नहीं आता कि नहीं, इधर आए यार मम्मा, आओ देख आ गई, बताओ रखना रखना कि भेजना, रखना मम्मा कह रही रखना, फिर हुन देख ले प्रैंक फ्रेंड कर रही है, मजा आएगा ना भिड़ो, मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, अज मेनू ना कुछ करी, मैनू अज कुछ ना करी, मेरा आइडिया नहीं सीगा, अज मैनू कुछ किया, मैं तेरे ते ह्यूमन वायलेंस का केस कर देगा, सोए तेरे ए कोई प्रियंका दा खाना टूंगिया जाए तू, मेरा मम्मा जी मम्मा मैं नहीं कीता, मम्मा जी मैं नहीं कीता, मम्मा मेरी खुदा की कसम मेरा प्लान नहीं था आज, आज आज मेरा प्लान नहीं था, आज मेरा प्लान नहीं था, इसे पूछ लो, इसने कहा, इसने मुझे सुबह कहा कि भैया ये प्रैंक करें, मुझे बड़े मैसेज आ रहे हैं, बड़े कमेंट आ रहे हैं, इसको पकड़ो, मुझे कुछ ना कहो आज, इसको पकड़ो, अगे हो अगे हो, चल अगे हो, इधर आ, इसको पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो, हेल्पर हेल्पर की जॉब, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कैमरा मैंने किया बस, कैमरा मैंने किया बस, मैंने कुछ नहीं किया आज, मुझे कुछ नहीं कह सकते आप, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कैमरा मैंने किया, मैंने मैं कहनी मोला ऐसे कैसे हो जाए, मैंने तो इसको कभी कहा ही नहीं कि मेरा काम वाला है, कहने वालों का मुंह तोड़ो, एंटी एंटी कंजर एंटी भैया जी मेरा छोटा भैया, शुगर लगा रहे थे यार आपके साथ, मम्मा क्या हो गया, कभी ना कभी जान दो आपके साथ, शुगर लगा रहे थे भाई, ओए मजा आया यार, शुगर है मनु मारनी भैया जी सही ना, अच्छा जो प्रैंक हो गए इतने कुटा पै गई, एक औरत है जिसे किस चीज का नहीं पता, किस चीज का नहीं पता, सिर्फ खिलौने खिलौने खिलौने, ये देखो मोबाइल के ऊपर चपेट मारी इतने, पता कितना महंगा मोबाइल है, इतना एक्सपेंसिव मोबाइल है, कहती जाओ बोलो जाओ मेरे साथ बोलो जाओ, इसमें बात रहना है सबके, अच्छा जी करते हैं प्रैंक अपने ओवर, उम्मीद है आपको प्रैंक अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा भी लगा,
अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात का इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुश रहो, बाज़ रहो।